फ्रेंड्स, वेलकम टू आर दी क्लासेस. फ्रेंड्स, टूडेज टॉपिक इज दिस वर्कशीट फॉर क्लास थर्ड. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेलिंग्स. तो यहाँ पर हम लोग स्पेलिंग्स कंप्लीट करेंगे. देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वहाँ पर बीच में आपको स्पेलिंग्स को फिलअप करना है. चलिए पहले हम इसको रीडिंग लगाते हैं, और उसके बाद जैसा कि आपको समझ में आता जाए वैसा वैसा वहाँ पर वर्ड्स को भरते जाएंगे. कंप्लीट दीज वर्ड्स विद डबल ई और ई ए. तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को पढ़ना है, और जहाँ पर ई ई यानी डबल ई सुटेबल लग रहा है आपको यहाँ पर डबल ई फिलअप करना है. देन जहाँ पर आपको ई ए सुटेबल लग रहा है वहाँ पर आप ई ए फिलअप करेंगे. लेट्स स्टार्ट. आई एम हैप्पी टू मीट यू. आई एम हैप्पी टू मीट यू. देन डबल ई, क्योंकि मीट की स्पेलिंग क्या होती है, एम डबल ई टी. तो हम यहाँ क्या फिलअप करेंगे, डबल ई. बच्चों, नेक्स्ट, दिस ट्री हैज़ ब्यूटीफुल येलो लीव्स. दिस ट्री हैज़ ब्यूटीफुल येलो लीव्स. येलो क्या होंगी, लीव्स होंगी. तो लीव्स की स्पेलिंग क्या होती है, एल ई ए वी ई एस, लीव्स. माई डियर चिल्ड्रन हाउ आर यू. देन डियर की स्पेलिंग क्या होती है, डी ई ए आर, डियर. तो यहाँ हम क्या फिलअप करेंगे, ई ए. नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट आंसर, ही जस्ट शुक हिज हेड. तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा, हेड. हेड की स्पेलिंग क्या होती है, एच ई ए डी, हेड. ही डिड नॉट आंसर, ही जस्ट शुक हिज हेड. नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 5, These are fresh green beans. Beans की स्पेलिंग क्या होगी, बी ई ए एन एस, बीन्स. नेक्स्ट सेंटेंस है, करण हैज हर्ट हिज नीज विद प्लेइंग. नीज की स्पेलिंग एन के एन डबल ई एस, नीज, वाइल प्लेइंग. दोस्तों, ये सारा आपको फिलअप करने के लिए बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराना बहुत ज़रूरी है. तो बच्चों, अगर आपको स्पेलिंग लर्न है तो आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में आए हुए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. तो इसलिए छोटी छोटी स्पेलिंग्स को ज़रूर लर्न करें, जिससे कि आपको इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने में आसानी हो. नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रोनाउंस. यहाँ पर आपको प्रोनाउंस को फिलअप करना है जो कि करेक्ट हो. तो यहाँ पर भी आपको सेंटेंसेस को पहले रीड करना है, और रीड करने के बाद जो सुटेबल लग रहा है कि जो वर्ड्स आपको प्रोनाउन का सुटेबल है, जहाँ पर फिलअप करने वाला है वहीं पर आपको उसे फिलअप कर देना है. देन लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंसेस, रितु इज माय फ्रेंड. देन फिल द ब्लैंक्स. एंड ब्लैंक्स है, इज वेरी काइंड. देन व्हाट वी विल फिल अप दिस. देन शी इज अ प्रोनाउन. शी इज अ वेरी काइंड बिकॉज रितु इज अ गर्ल. देन गर्ल के साथ क्या लगेगा, शी, और बॉय के साथ ही. तो इसलिए हम यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे बच्चों, शी. नेक्स्ट, विमल इज इन क्लास फर्स्ट. देन लव्स मैथ्स. विमल क्या है, एक लड़का है. तो यहाँ पर आप जो भी फिलअप करेंगे प्रोनाउन, वो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के, यानी कि जो आपका, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो आपका नाउन है, इस नाउन के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ प्रोनाउन को फिलअप करेंगे. तो इस नाउन को आपको ध्यान में रखते हुए प्रोनाउन फिलअप करना है. तो नाउन क्या है हमारा, विमल. विमल इज इन क्लास फर्स्ट. देन ही लव्स मैथ्स. तो ही यहाँ हम क्यों फिलअप करेंगे, क्योंकि विमल क्या है, बॉय है. तान्या एंड सनम आर डांसिंग आर हैप्पी. तान्या और सना दोनों डांस कर रही हैं और वे खुश हैं. तो दे, टी एच ई वाई, दे. तान्या एंड सना क्या है, टू गर्ल्स हैं. तो टू लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे. टॉबी इज माई कैट एंड इट ड्रिंक्स मिल्क. टॉबी इज माई कैट, इट ड्रिंक्स मिल्क. नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि एंड आई आर फ्रेंड्स. देन वी गो टू द सेम स्कूल. वी गो टू द सेम स्कूल बिकॉज आई के साथ क्या लगेगा, वी. तो वी गो टू द सेम स्कूल. ओके, देन यहाँ पर हमने क्या फिलअप किया, प्रोनाउंस बच्चों फिलअप किया. तो जो भी आप प्रोनाउंस फिलअप कर रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि नाउंस के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउंस फिलअप किए जाएंगे. तो जो भी नाउन दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर प्रोनाउन फिलअप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको, सर्किल द क्वेश्चन आंसर टू कम्प्लीट दीज सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है बहुत अच्छे से, मिन्यूटली, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है.
कि क्या आपको सही लग रहा है, स्लैश करके दो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक करना है। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते होंगे, कभी कभी बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं कि किस तरह से इनको किया जाए। तो चलिए आज हम इनको सॉल्व करते हैं। द सन इज़ द ब्राइटर और ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। सन क्या है? ब्राइटेस्ट स्टार है, बिकॉज सन जो जो है आपका जो सूरज है, इसकी तरह का कोई और तारा दुनिया में नहीं है। तो इसमें हम क्या फिलअप करेंगे, यानी कि क्या आपका सही होगा वर्ड? ब्राइटेस्ट, ब्राइटर नहीं होगा, ब्राइटेस्ट यानी हाइएस्ट। तो यहाँ क्या होगा, ब्राइटेस्ट जो है ये वर्ड सन के लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। बच्चों नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, माई आंट इज यंगर स्लैश यंगेस्ट देन माई मदर। तो यंगर देन माई मदर। योर रूम इज बिगर और बिगेस्ट देन माइन। इसका कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, बिगर देन नॉ यंगर देन। बच्चों ये जो टॉपिक है आपका, ये एडजेक्टिव्स हैं जो कि कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव में आते हैं। तो आप हमें कमेंट करिएगा, सभी वीडियोस में कमेंट आपको नहीं ओपन मिलेंगे, किसी किसी वीडियोस में मेरे कमेंट ओपन हैं, तो उस पर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज अच्छे से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, योर रूम इज़ बिगर और बिगेस्ट देन माइन। योर रूम इज़ बिगर और बिगेस्ट, यहाँ क्या फिलअप होगा? बिगर, बिगर देन माइन। हमेशा देन के साथ बिगर यानी कि ईआर लगता है। देन आर्या इज मोर हार्ड वर्किंग स्लैश मोस्ट हार्ड वर्किंग देन हर ब्रदर। तो यहाँ मोर के साथ क्या होगा? देन, देन आर्या इज मोर हार्ड वर्किंग देन हर ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, दिस इज़ द मोर इंटरेस्टिंग स्लैश मोस्ट इंटरेस्टिंग पेंटिंग इन दिस म्यूजियम। तो यहाँ पर क्या सही होगा, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग? तो यहाँ मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है ये वर्ड, यानी कि ये इस सेंटेंस में ये वर्ड सही होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग पेंटिंग इन दिस म्यूजियम। दिस इज़ द फनीएस्ट और फाइनियर फिल्म आई हैव एवर सीन। फनीएस्ट, फनीएस्ट जो है ये सही होगा, दिस इज़ द फनीएस्ट फिल्म I have ever seen. Next question number 4 है आपका, complete these words with EI or IE. EI और IE जो वर्ड है, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, इन दोनों लेटर्स को लेते हुए यहाँ पर आपको ये सेंटेंस में जो वर्ड्स में खाली जगह है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। यू शुड बी क्वाइट, क्वाइट की स्पेलिंग QUIET, तो आई और ई यहाँ दिया हुआ है, इस आई ई को हम यहाँ भर लेंगे, फिलअप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? यू शुड बी क्विट इन द लाइब्रेरी। अ पर्सन हु स्टील्स इज अ थीफ, तो थीफ की स्पेलिंग THIEF, तो आई ई हम यहाँ फिलअप कर देंगे, थीफ फिलअप हो जाएगा, यानी कि वर्ड सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ पर्सन हु स्टील्स दिस इज यानी कि इज अ थीफ। अ पर्सन होम यू लाइक टू प्ले विद स्पेंड टाइम इज अ फ्रेंड FRIEIENDE क्या हुआ है IEINDE तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड। अनदर वर्ड फॉर गेट इज रिसीव यानी कि पाना, तो स्पेलिंग क्या होगी RECEIVE रिसीव। तो बच्चों ये सब फिलअप करने के लिए, आपको वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए स्पेलिंग्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेलिंग्स छोटी छोटी लर्न करते रहें, जिससे कि आप पहले छोटी लर्न करेंगे, फिर बड़ी स्पेलिंग्स भी बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। देन वर्ड मीनिंग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने ली हैं, जो शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। जैसे ब्लैकबेरीज क्या हैं, तो सॉफ्ट पर्पल ब्लैक फ्रूट्स। डस्क द टाइम आफ्टर सनसेट, डस्क का मीनिंग क्या है, द टाइम आफ्टर सनसेट। अगर एक्साइटेड सीकिंग लुकिंग फॉर एंड astonished सरप्राइज्ड। तो बच्चों आप हमें कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।